हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आप सारे बच्चे को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्लास नंबर 3 होगा। जी हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है और ये सीखने के लिए बहुत कुछ इसमें मिलता भी है। एग्जामिनेशन की बात करें तो हर एक एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल की एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो, जिसमें इंग्लिश पेपर से क्वेश्चन आती है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ना हो ऐसा कभी बात ही नहीं बन पाती है। ठीक ना, इंग्लिश से अगर क्वेश्चन आती हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ना आए ऐसे कोई बात ही नहीं बन पाती है। दैट मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट वीटल टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। आपने पिछले क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया होगा और इससे पहले सिविल कोड के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाया गया है यूट्यूब पे, आज सारे बच्चे यूट्यूब पे भी जुड़े हैं और साथ ही में एप्लीकेशन पे भी हैं। सारे बच्चे को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाएंगे और एक बार शेयर जरूर कर देंगे। लाइक और शेयर करना मुझे कहना ना पड़े, आपकी अपनी ड्यूटी है, कर्तव्य है, निष्ठा है और एक लगाव है शिक्षक के साथ और प्रकाशन के साथ। इसलिए आप क्या करेंगे, उसे लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में जो नीडेड स्टूडेंट है, जिनको जरूरत है, जिनको ये बात कह सकते हैं कि एक लैकनेस है, अभाव है इंग्लिश की वजह से, वो किसी एग्जाम की फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, और या कन्वर्सेशन हो, या कह सकते हैं किसी से पेपर रीडिंग हो, राइटिंग हो, अगर वगैरह बहुत ऐसा लैंग्वेज से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम होता हो, उन बच्चों को, उन रिलेटिव्स को, उन ऐसा फ्रेंड्स को जरूर आप शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़े और सबका विकास, सबका साथ, यही मूल आधार होता है एक शिक्षक का, एक प्रकाशन का और एक बच्चों के साथ रह करके। ठीक ना, तो आप शेयर जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट टॉपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फंडामेंटल टॉपिक ज्यादा है। फंडामेंटल बोले तो प्राइमरी बोले तो मूलभूत, प्राथमिक। याद है ना, जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पहली विद्यालय, परिवार, पहला स्कूल जो आपका परिवार है और पहला शिक्षक आपके माता पिता होते हैं, उनके बाद जब आप फर्स्ट स्टेप स्कूल में पढ़ने गए होंगे, पहली स्टेप में वे आप क्या कहते हैं, प्राथमिक स्कूल, यानी कि प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल। तो एलिमेंट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या सीखते हैं, अपनी क्लासेस का, क्लासेस के जो फॉर्म होते हैं, लैंग्वेज होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, इसे मूलभूत सीखते हैं, मतलब स्टार्टिंग करते हैं। उसी तरह से अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी भाषा को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में रीडिंग लेना और फिर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करना। सर, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून सारे बच्चे, गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, आगे स्टार्ट करते हैं बाबू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इससे पहले दो क्लासेस कर दिए गए हैं, दो क्लास आपने ज्वाइन भी किए होंगे। बहुत सारे बच्चे अगर नए होंगे, ज्वाइन नहीं किए, बाद में आफ्टर रिकॉर्डेड आप देखते होंगे, लाइव के बाद रिकॉर्डेड वीडियो देखते होंगे, तो आप ये कोशिश करें कि लाइव क्लास अटेंड करें। लाइव क्लास में क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉब्लम को फेस टू फेस आप पूछ सकते हैं, साथ ही में कह सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा डाउट होता है तो वो क्लियर कर सकते हैं, और वो फीस आपका लाइव क्लास करने का और रिकॉर्डेड क्लास करने का दोनों में थोड़ा सा सेंस अंतर आ जाता है। इसलिए कोशिश करें अपना कि लाइव क्लास में अटेंड करें। इससे पहले दो क्लासेस कंप्लीट कर दिए गए हैं, वो में आप बहुत सीखे होंगे, फंडामेंटल बात बताए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो बेसिक बातें होती है, जो स्टेप वन होता है, जो पहले सब्जेक्ट के बारे में जानना, फिर वर्ब के बारे में आगे पहचानना, दोनों के बीच में रिलेशन को जोड़ पाना, ये सब क्लासेस आपने फर्स्ट दो क्लासेस में किया होगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर फर्स्ट पार्ट में नाउन पर, जिसे हम कुछ फॉर्मेशन से समझाते हैं। आगे आप देखेंगे, एक हम न्यू पेज लेते हैं और न्यू पेज क्रिएट करने से आपको एक फाउंडेशन बात बताते हैं। चलिए यहां देखेंगे, फोकस ऑन बोर्ड, नो बकवास, ओनली खास। चलिए फर्स्ट में क्या है कि पहला क्लास में आपको बताएं कि सब्जेक्ट जो होती है, किसी भी सेंटेंस का जो मेरा सब्जेक्ट होता है बाबू, इसका रिलेशन जोड़ना किसके साथ में, वर्ब के साथ में, इसलिए इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट का हिंदी सेंस होता है क्या, कर्ता, कर्ता, और वर्ब का हिंदी सेंस होता है क्रिया। तो जब सब्जेक्ट जो कर्ता होता है, कार्य करने वाला होता, उसके द्वारा क्रिया जो है वो किस स्टेप में किया गया, किस सब फॉर्म किया गया, कैसा वचन में किया गया, या फॉर्मेशन जो होता है दोनों के बीच में सहमति जताता है, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं एग्रीमेंट। क्या कहेंगे उसको, एग्रीमेंट। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम आप पहले ही पढ़े होंगे, सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स कहने का मतलब वाक्य रचना, कि वाक्य को आप कैसे रचें और कैसे उसको बना पाए। इसमें सब्जेक्ट के प्लेस पर जो शब्द आता है, जो वर्ब के साथ एग्रीमेंट कर पाता है, उस सब्जेक्ट की जगह जो प्लेस में जो शब्द आता है, इसके बारे में पहले क्लास बताए भी आपको होंगे
कि एक डायरेक्ट वर्ड होता है, एक इनडायरेक्ट वर्ड होता है। क्या होता है बाबू जल्दी बताइए तो, डायरेक्ट वर्ड एंड इनडायरेक्ट वर्ड। तो जो डायरेक्ट वर्ड होता है उसमें क्या क्या आता है और इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है, इसके बारे में आप पिछली क्लास में सीखे होंगे कि डायरेक्ट वर्ड के प्लेस पर आता है नाउन एंड एट द प्लेस ऑफ नाउन वी आर यूज एट प्रोनाउन। प्रणाम ये दोनों क्या है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर दोनों डायरेक्ट आ जाते हैं। नंबर टू होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के प्लेस पर क्या क्या आता है सर, इनडायरेक्ट के प्लेस पर आता है नंबर फर्स्ट में वी फोर, जिसे कहते हैं आप जेनन। क्या कहते हैं इसको, जेनन। इस समय एक नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के इसे याद रखने के लिए आप लिख लेंगे, आप क्या करेंगे सबको लिखते चलेंगे कि क्या सब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है। ये सब एक ऐसे टॉपिक है ना जो हर पॉइंट में कह सकते हैं अंग्रेजी के किसी भी चैप्टर का या किसी भी सेक्शन का, अगर हम लोग तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि उसको बेहतर से और बेहतरीन की ओर ले जाए, अपनी तैयारी को और मुकम्मल बनाए, तो आपको बेसिक बात पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपको फ्रूट अच्छा चाहिए तो मेहनत रूट पे करना पड़ता है, जड़ पे मेहनत करेंगे तब उसका फल अच्छा होता, फल पे मेहनत करके उचित फल लेना ये अनुचित हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रांगली क्या करेंगे, अंग्रेजी का बेस पार्ट स्ट्रांग करेंगे, बेस स्ट्रांग रहेगा तभी। जितने वाले टॉपर स्टूडेंट कुछ अलग कार्य करके वो टॉपर नहीं बनते, कुछ अलग काम करके वो जीतते नहीं है, वो हर छोटे काम को एक अलग अंदाज में करके जीतते हैं। तो हम आप जो करते हैं वही काम एक टॉपर भी करता है, बस इतने क्या है, वो हर छोटे छोटे पॉइंट को एक अलग अंदाज में करता है, एक अलग प्रिपरेशन करते हैं, यूनिक प्रिपरेशन, एक्स्ट्रावागेंट प्रिपरेशन, मतलब कई तरह का होता है उसका। इसलिए ध्यान रखेंगे सब बेसिक बातों को ध्यान दीजिए। तो पहला क्या बताएं, बी फोर मतलब जेरन। अब कोई सेंटेंस बनाते हो, अब उसमें लिखते हो क्या कि सिंगिंग इज एन आर्ट, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक ना। जैसे आप कह सकते हो कि वॉकिंग इज ए गुड फॉर एक्सरसाइज, तो ये सब क्या है, सिंगिंग, वॉकिंग, स्मोकिंग, ये सब क्या होता है, जेरन होता है। जेरन क्या है, सब्जेक्ट के रूप है, और कैसा रूप है, इनडायरेक्ट रूप है। एक एक चीज को लिंक से हम जोड़ के चलेंगे, आप बस उसको ध्यान में रखेंगे और एक जगह कहीं पे नोट कर लेंगे कि ताकि आप इन फ्यूचर उसको दोबारा रिवीजन कर पाए और अपने एग्जाम का और बेहतर तैयारी हो पाए आपका, ठीक ना। अब किसी भी एग्जाम का, जैसे देखिए बहुत सारे नोटिफिकेशन एग्जाम का आ गया, आप जैसे जानते भी होंगे कि आप भी वही समाज में रहते हैं जो समाज में हम रहते हैं, आप भी वही परवरिश में जीते हैं जिस परवरिश में हम जीते हैं। तो एक कमान चीज है कि आप जाने होंगे कि सीजीएल, CHSL, MTS, SSC के जो अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन के हिसाब से अलग अलग होता है। उसमें CHSL जो 10+2 लेवल का होता है फॉर्म, वो उसका नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया 6 दिसंबर से, 6 दिसंबर से CHSL का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया। तो आप लोग से यह एक गुजारिश है, तमन्ना है, ख्वाहिश है और ये आदेश भी है एक शिक्षक होने के नाते कि आप जो CHSL का फॉर्म अतिशीघ्र भर ले। ये मत सोचे कि फॉर्म फिलअप करने का जो टाइम ड्यूरेशन जो 1 मंथ का दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार का जब भी फॉर्म आता है तो अप्रोक्सीमेट में 20 डेज प्लस आता है फॉर्म फिलअप करने का टाइमिंग आता है बाबू। इसमें आप ये ना सोचे कि हम फॉर्म लेंगे, अपने आप को एक्सटेंड टाइम मत करिए। बहुत बच्चे में ये सुनते हैं कि चलो फॉर्म भर लेंगे, डेट तो अभी है ही, अभी डेट है ही, अक्सर ये बात सुनते हुए मिलते हैं, दोस्तों में सुने होंगे आप या रिलेटिव्स में सुने होंगे या आप खुद भी करते होंगे, या आप खुद भी करते होंगे, हाँ बात आपकी भी कर रहे हैं कि आपको ये लगेगा कि सर फॉर्म का डेट जो है वो 1 मंथ का है, अभी तो 10 दिन ही हुआ है, फॉर्म फिलअप कर लेंगे। इन फ्यूचर आप बात को टालते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अक्सर गाड़ी उन्हीं का छूटता है जिनके घर रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ करते हैं, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि हम तुरंत चले जाएंगे और अक्सर उन्हीं का गाड़ी छूट जाता है। लेकिन छूटते तो खुद है, कहते गाड़ी छूट जाते, ये बात अलग बात है। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ फॉर्म भर लेंगे ऐसे हो जाएगा, अतिशीघ्र आप जितना हो सके क्विकली जो आप फॉर्म पहले फिलअप कर लीजिए CHSL का, आपका एज क्रिटेरिया हो चुका है तब। और CHSL के फॉर्म फिलअप करने के तत्पश्चात आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको लेके आइए। और बहुत सारे बच्चे डीएलएड का फॉर्म भरेंगे, डीएलएड का भी फॉर्म आ रहा 16 जनवरी 2023 से, तो आप अगर उसको भी फिलअप करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की बात करें, ABCD किसी भी एग्जाम की बात करें, जो सिलेबस होता है एग्जाम का, उस सिलेबस में जो चैप्टर्स होते हैं, वो चैप्टर्स का जो लेवल्स होता है वो वेरीफाई करता है, नंबर ऑफ चैप्टर्स वेरीफाई करता है, बट जो थीम होता है, कंसेप्ट होता है, जो टेक्निक्स होते हैं, जो सेंस होते हैं रीडिंग करने का, राइटिंग करने का, स्टडी करने का, वो लगभग में इक्वली होता है। जैसे बात करें हम अगर मैथमेटिक्स टॉपिक आप पढ़ते होंगे तो आप देखेंगे मैथमेटिक्स टॉपिक मगर नॉर्मली जो अगर कोई मान लीजिए नवोदय का तैयारी कर रहा है, कोई नेत्रहाट का तैयारी कर रहा है, तो जो बच्चा सबसे लोअर टाइप में जो नवोदय का, नेत्रहाट का, सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहा हो, अब हम हायर ग्रेड लेते हैं यूपीएससी, यूपीएससी सेकेंड पेपर में आता है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन,
अब सबसे हायर ग्रेड की एग्जाम जो इंडिया में सबसे हाई ग्रेड में होता है, यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी, उसमें सेकंड पेपर में जो मैथमेटिक्स आता है उसकी बात हम करेंगे, उसका कंपेयर करेंगे जो इंडिया में सबसे लोएस्ट, जैसे नवोदय का, नेत्रहाट का, पैरामेडिकल का, ये सब मतलब लो टाइप के एग्जाम आते हैं। तो जो एग्जाम तो वैसे कोई हायर लो नहीं होता, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हायर लो है, मेरा कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स में जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको आप कंपेयर करते होंगे कि आप नवोदय में, नेत्रहाट में, सैनिक स्कूल में, इसमें अगर आप परसेंटेज पढ़ते हो तो फिर आप वो सिविल कोर्ट में भी आप सॉरी कहते हैं आगे सिविल सर्विस में भी आपको परसेंटेज ही पढ़ना है। लेकिन अंतर क्या है उसमें, लेवल का अंतर, उसके लेवल का अंतर, उसके पैटर्न का अंतर, उसमें स्किल का। क्या आप लोअर में पढ़ते हो तो वही चीज को थोड़ा सा कम पढ़ोगे, उस चीज को हल्का सा कम भी जानोगे, काम हो जाएगा, एग्जाम फाइनल हो सकता है। लेकिन अगर हायर में जाते हो तो उसी चीज को डीपली पढ़ना रहता है। तो बात वही है, हम आपको अंग्रेजी में लाते हैं कि अंग्रेजी में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको लेवल में डिफरेंट रहेगा, बट जो चैप्टर्स हैं, जो आपका सेक्शन है, वो लगभग में एक ही रंग होता है। टैगिंग में सर्टिफिकेट चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा बात नहीं है राजा कुमार जी, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, एक नॉलेज चाहिए। पहले जो था एग्जाम का जो सिलेबस में वेरीफाई हुआ 2022 में, जो नया बदलाव आया उसमें एक बात गौर करेंगे आप कि पहले क्या था सीएचएसएल में कि आप टायर वन एग्जाम देते हो और उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर था और जस्ट आपका जो है टाइपिंग आता था, जिसकी बात आप कर रहे हैं राजा कुमार जी। लेकिन अब जो 2022 में जो नया आया है, 22 में जो नया आया है, नया अमेंडमेंट के द्वारा जो नया चीज किया गया, जिसे आप कह सकते हैं कि इनोवेशन करना, नवनीकरण, तो नवनीकरण में ये हो गया कि आपका आपका पीटी जो होगा, टायर वन जो होगा, वो क्वालिफाइंग होगा। वो ऐसा ही है, क्वालिफाइंग है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके डीएस और इंग्लिश है, 25-25 ईच सेक्शन में होगा, मार्क्स 50-50 सब सेक्शन में होगा, ये क्वालिफाइंग हो गया। 40% जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और 35% ओबीसी और इससे नीचे एसटी के आते हैं, क्वालिफाइंग पेपर है टायर वन। बट टायर टू की बात करेंगे तो वो आपको मेरिट बनाएगा, टायर टू से ही आप जो है एक अच्छा पोस्ट ज्वाइनिंग कर सकते हो, अपनी मेरिट को सबसे उच्च तक में रख सकते हो, वो टायर टू की ओर। और टायर टू में जो है सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा परसेंटेज है इंग्लिश को दिया गया है, ये आप जानते होंगे। कई लोग में ऐसा प्रश्न नहीं उठता है, डिबेट भी हो रहा है, डिस्कशन भी हो रहा कि ऐसा सी ना जाने क्यों ऐसा हो रहा कि इंग्लिश को वेटेज ज्यादा दे रहा। अगर बाकी विषयों की बात करें तो इंग्लिश का वेटेज ज्यादा आ रहा है, सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, और आने वाला इन फ्यूचर एमटीएस में भी होगा ऐसा, इंग्लिश वेटेज बढ़ रहा। बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या है कि आपका इंग्लिश एक लैंग्वेज पेपर है और लैंग्वेज अगर आपका बेहतर ना हो तो फिर आगे नेक्स्ट में स्टेप जब आप जॉब करते हो, चाहे वो फील्ड जॉब हो या डेस्क जॉब हो, आपको जो कस्टमर के साथ, आपका जो पब्लिक के साथ जो कन्वर्सेशन होगा, आपका जो काम होगा, जो वर्क होगा, जो आपका पेपर पे, वो सारा इंग्लिश मीडियम होने वाला है। बिकॉज इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का सेकेंड लैंग्वेज आ गया इंग्लिश, बहुत जगह तो प्राइमरी फर्स्ट लैंग्वेज हो गया। तो अगर लैंग्वेज अच्छा नहीं रहता तो हम लोग बेहतर काम नहीं कर पाएंगे और एक विकासशील देश को विकसित की ओर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए क्या हो रहा कि इंग्लिश को और बेहतर बनाने के लिए अब कोई भी डिपार्टमेंट जो है इंग्लिश को वेटेज दे रहा, थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स इंग्लिश से आएगा, ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश से दे रहा, इंग्लिश को और बेहतर बनाए। हम ही आपको इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एग्जामिनेशन बताए कि अंग्रेजी का जो एग्जामिनेशन हो उसमें क्या इंपोर्टेंस होता है इंग्लिश का। फिर हम आते हैं अपना मुद्दा पे आते हैं, सेकेंड डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे लाइव में जुड़े हुए हैं, ऐप एप्लीकेशन पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, ज्योति जी, ललिता जी, नया जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर, B4। ये B4 क्या है? जनरल है। इसके जगह कभी कभी आता है सर 2+B1। ये 2+B1 क्या है? इसका नाम है फूल इन्फिनिटी। क्या नाम है इसका? फूल इन्फिनिटी। अब ये जब भी कोई कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे, ये YouTube पर वीडियो है, एप्लीकेशन पर भी रहेगा। नंबर 3 में आता है द प्लस एडजेक्टिव, पीछे भी बता दिए, थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं इसलिए। उसके बाद आता है हेयर द डमी सब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्लाउज, और उसके बाद आता है फ्रेज। ये जो है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है। तो पिछले क्लास में बताना शुरू किए थे नाउन वेस्ट में, नाउन वेस्ट में कलेक्टिव नाउन तक आ गए थे, ठीक ना, कलेक्टिव नाउन तक आ गए थे और कलेक्टिव नाउन के बारे में काफी डिटेल जो है आपको बताए भी थे। और कलेक्टिव नाउन का एक लिस्ट जारी करना था, लिस्ट में क्या क्या रहता है कलेक्टिव नाउन में, ये आपके सामने लिस्ट है। देखिए ये जो लिस्ट है आपको अवेलेबल रहेगी एप्लीकेशन पे। बहुत सारे बच्चों में ये डाउट होता है सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, तो ये एप्लीकेशन पे मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे ये सब आपको आ जाएगा। आप जानते ही होंगे एप्लीकेशन कौन सा है, अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार देख लीजिए, ये आपके सामने रहा। ये आपका न्यू बैचेज स्टार्ट हुआ 8 दिसंबर से, उसका इन्फॉर्मेशन है और जस्ट इसके आगे
क्या सब मिलता है उसका असाइनमेंट और ये फी है आपको जानते ही होंगे 250 बहुत कम फी रखा गया और ये एप्लीकेशन सामने आ गया। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन से आपको सब पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट होगा तो आगे हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप बात कर लेंगे। आते हम लोग एजेंडा पर अपना। ये आपके सामने जो रहा इसको हम जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या क्या रहता है ऐसा। ये आपके सारा जितना भी रूल्स है, ये डाटा है, ये डाटा सामने जो दिख रहा ये सब डाटा अपने साथ में वर्ब सिंगुलर लेता है, कब प्लुरल लेता है, पूरा चीज लिखा हुआ देखिए यहां से। ये डाटा फर्स्ट में क्या लिखा हुआ पर्याप्त है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं मतलब इस तरह के होते हैं। अब ऐसे होते हैं इसका मतलब नहीं कि वैसे होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे होते हैं। ऐसे नाउन्स मतलब ये जो लिस्ट नीचे लिखा है इसकी बातें हम कर रहे हैं। जो रूप तथा कार्य, रूप का मतलब है फॉर्मेट। बेगूसराय की धरती से प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम, खूब खुश रही राम कल्याण राठौर जी। भगवान उम्मीद करें, तमन्ना करें कि आपकी वो जो ख्वाहिशें हैं, जो आपकी मेहनत की बदौलत उसको पूरा करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ नाउंस ऐसे होते हैं कि रूप में और फॉर्म में दोनों में दृष्टिकोण से क्या होते हैं वो सिंगुलर। ये कहने का मतलब क्या है समझिएगा कि रूप और फॉर्म आपका फंक्शन दोनों में मतलब वो देखने में भी सिंगुलर ही रहेंगे और वर्क भी सिंगुलर की तरह ही करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जैसे देखने में सिंगुलर कहने का क्या मतलब है सर? देखने में सिंगुलर कहने का मतलब है कि उसमें एस सी एस नहीं लगा रहेगा। अब कोई भी नाउन नॉर्मली रहता है वो क्या रहता है? सिंगुलर रहता है। जैसे हम बोलेंगे बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, एडवोकेट, पेन, पेंसिल, बोर्ड, ये सब सिंगुलर में है। अब वही कहेंगे बॉयज, स्टूडेंट्स, टीचर्स, गर्ल्स, बॉयज, टेबल्स, बोर्ड्स, एस लगा देंगे तो क्या हो जाता है प्लुरल। तो अगर वो जो नाउन देखने में भी लगे सिंगुलर जैसा भी और काम भी करे सिंगुलर ही जैसा, उसके कुछ लिस्ट है। देखिए यहां से इनका प्लुरल प्रयोग नहीं होता है, बात समझिए यहां से। बड़ी अच्छी बात बता दिए, इसका प्लुरल नहीं होता। दैट मीन्स इसमें कहीं अगर एस लगा हुआ देखेंगे तो इधर वहीं पर है। कई सारे बच्चे इधर बनाते भी है कि प्लुरल कहां पे होता है, इसमें एस लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, वो इधर लेगा क्वेश्चन में वहीं पर। अगर आप लिखते हो एडवाइसेस, कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन दिखाएंगे सीएचएस की बात करें या सीजीएल की बात करें, क्वेश्चन बहुत बार आते रहता है। तो एग्जाम कोई भी हो, डिपार्टमेंट कोई हो, चाहे सेंट्रल की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में इंग्लिश से जुड़ा हुआ। तो अगर इंग्लिश का जहां क्वेश्चन आया वहां बात नाउन की होगी ही, और जहां बात नाउन किया वहां इस डाटा का प्रयोग होगा ही। क्वेश्चन कुछ बाहर नहीं पूछता है। आप जन सामने वाला क्वेश्चन सेटर का माइंड रीड करना सीख लीजिए कि सामने वाला क्वेश्चन पूछ कहां सकता है, वो कहां तक दे सकता है। अगर इस बातों को आप कैच करने लगे, उसके लेवल को पकड़ने लगे, तो फिर आपको क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। तो ये सब डाटा जो है स्पेशली आप लोग के लिए बनाया गया है ताकि आप ज्यादा मेहनत ना करें, बस डाटा सामने है इसको फॉलो करें और आगे बढ़े, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब ये कहने का मतलब नहीं कि आप मेहनत ना करें, यह हम नहीं कह रहे हैं। यह हम कह रहे हैं कि आपको ज्यादा इधर उधर की बातों में वर्क नहीं करना, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा, या कह सकते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड लेवर कह सकते हैं, वो नहीं करना। हम सब कुछ करके दे रहे हैं एक साथ में, आप बस उसको रीड करो और डायरेक्ट एग्जांपल पे आ जाओ। पहला एडवाइस, हाँ एक बात और यहां पे देख लीजिएगा, यदि इन्हें काउंटेबल बनाना हो तो इसके साथ आप यूनिट लगा सकते हो, इसे कहते हैं यूनिट। कई बच्चे यूनिट बारे में जानते होंगे, जो फर्स्ट बैच आया था सिविल कोर्ट के एंड डीएलएड का, कई बैचेस का कोर्स जो आपको बताया गया यूट्यूब पे और एप्लीकेशन दोनों पे, आप लोग बहुत अच्छा पढ़े भी होंगे, बेनिफिट किए हुए होंगे, बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ होगा आपका। तो उसमें ये सब बताए थे यूनिट वर्ड क्या है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एडवाइस का, एडवाइस को आप ऐसे लिख सकते हैं, एन आर्टिकल ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ एडवाइस, टू पीसेस ऑफ एडवाइस। तो एन आर्टिकल ऑफ बोलते हैं, सीएचएसएल का सेट चलता है क्या सर ऑफलाइन में? हाँ सूरज कुमार जी, सीएचएसएल का बैच ऑफलाइन सेट में आ रहा है 15 से 15 से, लेकिन फर्स्ट बैच में आपको सीट मिलेगा या ना मिलेगा इसमें कोई गारंटी नहीं। फर्स्ट बैच में सीट फुल है पूरा, बहुत बच्चा टेबल पर बैठना चाह रहा है। ऑफलाइन में जो सीएचएसएल सेट प्रैक्टिस जो होता है, फुल डिस्कशन, आप साथ ही प्रीवियस ईयर का कंप्लीट वोकैबुलरी, पिछले 10 साल का जितना अच्छा हो वोकैबुलरी सब है, उसको अरेंज कर दिए हैं, उसको एक साथ दिए हैं। देखिए हम अपने मेहनत पूरा कर रहे हैं, फुल कर रहे हैं अपनी तरफ से एक अच्छे मतलब रिजल्ट लाने के लिए, एक अच्छा रिजल्ट हो आप लोग का। लेकिन आपका योगदान अगर नहीं बन पाता तो फिर नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि हवा की ओर जब इंसान चलती है तो उसमें योगदान इंसान को और हवा को दोनों दिया जाता है, ताकि वो फास्ट पढ़ पाए और अपने कामों को मुकम्मल कर पाए, अपने कामों को सही कर पाए। तो अगर आपकी चाहत है नौकरी लेने का और मेरा मेहनत है आपके साथ में, तो आपकी चाहत और मेरी मेहनत दोनों मिलकर के एक सही आयाम दे सकता है और वो आयाम एक सही परिणाम देगा आपका। लेकिन आपकी चाहत नहीं, आप एक दिन क्लास कर रहे हैं, दो दिन क्लास नहीं कर रहे हैं, क्लास में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि आपको इंटरेस्ट कब आएगा, जब आप रील देखिएगा एक्स्ट्रा तब आएगा रील।
लेकिन आपको यहां पे इंटरेस्ट लाना है, इसमें रुचि देना है कि हाँ हमको इस सब में आता है क्वेश्चन, हम सबको एक बार अच्छा से देख लें। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इंपोर्टेंट है तो इसको लिख भी लेते होंगे नोटबुक पेन लेकर, कई बच्चे ऐसे बस देख लिए छोड़ दिए बिक्री की तरह, वैसे जैसे लग रहा है कि रास्ते चलते चलते कोई मुसाफिर देख लिया किसी को जाते हुए, कोई मतलब नहीं है, जा रहा कोई सेंसिबल नहीं है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार हम बता दिए कि हाँ बाबू ये सब होता है, तो बिलीवनेस सबसे बड़ा होता है, बिलीवनेस टीचर पे करते हैं आप। तो इसमें देखिए कि फर्स्ट बैच में एवरेज बच्चा का एडमिशन हो चुका है 15 तारीख से बैच आ रहा, और सेकेंड बैच जो है रात में अनाउंस है 7 बजे रात में। तो देख लीजिए सूरज जी, जिस बैच में आपको हो सके आप पटना में रहते होंगे 10 बजे में आ जाएगा, और 10 बजे में बहुत कम उम्मीद है, और शाम में 7 बजे में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एडवाइस सलाह क्या होता है। ये सलाह एक प्रकार का सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर लेता है, अनकाउंटेबल पार्ट में माना जाता है। इसका पुलर नहीं बना सकते हैं, और जब इसका पुलर बनाना होगा तो यूनिट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन न्यूज ब्रीड अटैम्प करेगी, अगर एवरेज पेंसिल्स, कई ऐसा ट्रिक है जितना भी है सबको देख लीजिए एक बार, बहुत बार एग्जाम में आता है सब। वर्ब सब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा सभी के साथ। फर्नीचर और तो इतना बार एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर में, तो आप पूछिए मत, बहुत बार आता है सबके साथ, वर्ब क्या लेता है सिंगुलर। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, इंपोर्टेंट क्लास कैसे है वो इंपोर्टेंट आप दिखाइएगा ना, आप इंटरेस्ट दिखाइएगा तो इंपोर्टेंट लगेगा, आप इंटरेस्ट ना दिखाए तो अनइंपोर्टेंट लगेगा। चाहत अपनी होती है, सामने वाला क्या कर रहा है वो चाहने पर डिपेंड करता। ऑफलाइन कहां चलता है, ऑफलाइन क्लासेस कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड में, ठीक ना, टेम्पो स्टैंड DC 16 गूगल कर लीजिए, गूगल करिए उसमें लिखिए मिशन क्लासेस, एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट आगे, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। अब इनकरेक्ट है कि ये सर कैसा है ये देखिएगा, यहां पे क्या लिखा है, देयर इज ए गुड न्यूज, ए गुड न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल है तो आप आर्टिकल कैसे लगा दिए इसमें, न्यूज अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल कैसे लगा दिए, वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल उसमें आर्टिकल आप नहीं लगा सकते। जब भी ऐसा होगा तो आप उसके साथ यूनिट लगा सकते हैं, आपको हम बोले ना कि अगर आप इसको काउंटेबल बनाना चाहते हैं तो यूनिट लगाइए। अब देखिए ये जो गलत है, इनकरेक्ट एग्जांपल है मेरा फर्स्ट नंबर, उसको करेक्ट कैसे किए, देयर इज ए गुड पीस ऑफ न्यूज, यानी कि ये जो पीस लगा दिए तो ये मेरा क्या हो गया, यूनिट हो गया। ऐसा कई यूनिट का एक चार्ट बनता और वो यूनिट तैयार करता है नाउन के फॉर्मेट को। बात बारीकी समझिए ना, शिवाजी पार्क के साथ, ऑल इज वेल, बहुत अच्छा बाबू, शिवाजी पार्क टेम्पो स्टैंड के पास में, सही है, आप बहुत लोग जानते भी हो। तो ये जो जब भी कभी कोई नाउन लिखते हैं और वो नाउन का हम अगर फॉर्मेट चेंज करते हैं, फॉर्मेट चेंज करने का मतलब है जैसे कि अगर आप जैसे कि अभी यहाँ पे हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, कल हो के आपका जॉब लग जाता है तो आप इंप्लॉय हो जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लेकिन अगर वही आप कहीं किसी टीम में जाते हैं तो आप क्या होते हैं, मेंबर हो जाते हैं। और वही आपका शादी का माहौल आता है तो आप क्या होते हैं, लड़का हो जाते हैं, चाहे लड़का बच्चा हो या बूढ़ा हो, लेकिन शादी समय लड़का लड़का कहलाता है, उसको लोग बच्चा नहीं कहता ना, उसको बुरा नहीं कहता लोग। अब वही जब शादी की जगह चले जाए तो क्या होते हैं, दुल्हा हो जाते हैं। देखिए दुल्हा का शब्द कहने के बाद कितना इंटरेस्ट आ जाता है आप लोग में, बहुत अच्छा बात है, शब्द पकड़ते हैं बहुत अच्छा, लेकिन यहां नहीं पकड़ते हैं नाउन क्या है। देखिए यहां से तो एक गुड पीस ऑफ न्यूज हो जाता है, तो वैसे किसमें वो सही हो जाता है, पीपीटी से पढ़ाएंगे। आगे गुड आफ्टरनून नगीता रॉय जी, देखिए बाबू नेक्स्ट बात होगा ना, एक्स्ट्रा बात बाद बता देंगे। यहाँ देखिए आगे कह रहा है कि दीज इक्विपमेंट्स, अभी बताएं कि इक्विपमेंट्स जो है कलेक्टिव नाउन है, इसका पुलर बनता नहीं है इक्विपमेंट्स का, तो ऐसे केस में यहाँ पे एरर हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस है कि इक्विपमेंट का पुलर नहीं बनाएंगे, बाहर भी पुलर नहीं डालेंगे, तो अब यूनिट लगा दिया यहाँ पर, क्या कर दिया, दीज पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। अब दीज पीसेस जब कभी प्रीपोजिशन आता है तो फर्स्ट पार्ट में जैसा नाउन रहता है वर्ब वैसा ही जाता है, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए दीज पीसेस है, पीसेस कैसा नाउन है, पीसीएन है, पुलर काउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या लिया, आर। ऐसे कई वर्ब्स यहां दिया गया है, देखिए कई एग्जांपल दिया गया। नंबर सेकेंड रूल क्या कहता है सुनिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फॉर्म तथा फंक्शन दोनों ही दृष्टिकोण से पुलर होते हैं। यही लिस्ट आपको पिछले क्लास में बोले थे याद करने के लिए, और आप में से कुछ बच्चे बोले थे सर हम पहले भी याद किए हुए हैं, पहले भी लिस्ट ऐसा लिखवाए हैं। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा रूल्स है, ये एग्जाम में आता है, CHSL की बात करें या सिविल कोड 2019 आपका 2016 की बात करें। आगे बाबा स्टेटस गुड आफ्टरनून बाबू, गुड आफ्टरनून बने रहे। ये जो बात करेगा सिविल कोड 2016 की, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन टर्म आते ही रहता है बार बार, नाउन का हर्ट कहा जाता है सबको। हर्ट का मतलब है कि वो दिल, वो आत्मा जिसके बिना शरीर की जो व्यथाएं हैं, जो गाथाएं हैं, वो अधूरा पड़ जाए। अब आप में दिल ही ना हो तो आप किस ह्यूमिनिटी कह सकते हैं कि आपका फीलिंग इमोशन संवेग कुछ आता ही नहीं है, तो हर्ट होना चाहिए। बताना है कि रॉबर्ट में इंसान में क्या डिफरेंसेस है,
बात करें तो रॉबर्ट आज हर कुछ कर रहा। आप जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार में आप मालूम किए होंगे तो बहुत कुछ करता रहता। स्क्रीन का वर्ड साफ नहीं दिख रहा है। राम कल्याण कटागोर जी साफ दिखेगा, थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलिए, वो नयन से देखना बंद करिए जो नयन से जमाना देखता है, वो नयन से देखना शुरू करिए जिस नयन से एक छात्र पढ़ाई की बातों को सही समझता है। देखिए आप, आपको दिखाई देता होगा, चलिए मजाक किए हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि जमाना दूसरा नयन से देखता होगा। देखिए यहां से आगे मतलब टॉपिक पर आगे आप दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई दे रहा होगा, अब तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए थैंक यू फॉर सजेशन, सेशन ऐसे देते रहिए, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा तो बताते रहिएगा कि हाँ सर नहीं दिख रहा है इस टाइप का। अच्छा बात है, कुछ बीच बीच में मजाक कर लेते हैं ताकि आपका भी रूम जो है मन थोड़ा सा डाइवर्ट ना करें, मन लगा रहे। कुछ नाम्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म तथा फंक्शन दोनों ही दृष्टिकोण से पुलल होते हैं, मतलब वो फॉर्म में भी पुलल होगा और दृष्टिकोण से देखने में पुलल भी होगा और भाव भी पुलल लेगा। ये सब लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है राम कल्याण जी, बाबा स्टेटस जी, ये देखते रहेगा। नेहा ललिता ज्योति सबका नाम हम लेते हैं, सबका एक ही साथ में लगाव रखते हैं और सबको एक साथ में चाहते हैं कि अच्छा अच्छा सिलेक्शन हो आप लोग का, अच्छा काम कर पाए, देश राज्य को ऊपर ले जाए। कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो देखने में भी पुलल हैं और साथ ही में भर भी पुलल लेते हैं, ये कितने होते हैं सर? ये पूरा लिस्ट देख लीजिए आप एक बार अच्छा से, ये सारा लिस्ट बनाया गया बहुत ही मेहनत करके। पब्लिकेशन चाहती है कि आपका रिजल्ट हो, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, इसलिए क्या करना, मेहनत करना बाबू, तभी आपको चाहते हैं। जैसे बैनिकुलर्स की बात करेंगे, इसका एक ट्रिक बताए थे याद होगा, पहले क्लास ज्वाइन की होंगी तो, ट्रिक क्या है इसका सुनिएगा कि वैसा वर्ड जिसके लास्ट में दो आपका सेक्शन रहता है, जैसे बात करें चश्मा की तो चश्मा में दो पार्ट होता है, बात करेंगे जूता की तो जूता में दो होता है, जैसे बात करेंगे सॉक्स की मोजा की तो उसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है, कैंची की जैसे कि चिमटा की, कई ऐसा देखेंगे आप जैसे कि बेनिकुलर्स है, दूरबीन है, स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है, गॉगल्स है, सीजर्स है, पिंचर्स है, ट्राउजर्स है, जींस है, जिसे आप जीन कहते हैं। असाइनमेंट निकालना, हाँ असाइनमेंट निकालना होगा, असाइनमेंट निकालना होगा, नहीं तो हम यहां से सेंड कर देते हैं बाबा स्टेटस जी, कोई बात नहीं, अपना एड्रेस नाम पता सब दे दीजिएगा, अब पिताजी का मोबाइल नंबर भी दे दीजिएगा ताकि हम एक बार फोन करके पूछ लें कि आपके दुलारी बाबू साहब जो है मेहनत करना नहीं जान रहे हैं, उनसे पूछ भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ऐसा कोई बात नहीं है, मजाक कर रहे हैं, आगे बढ़िए। निकाल लीजिए सबको जिन्हें असाइनमेंट निकाल करके, और फिर पीछे लिखना भी होगा, ठीक है ना बाबा स्टेटस जी, ध्यान रखिएगा आप नाम वैसा है तो इसलिए हम नाम बार बार उच्चारण कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं इसको लिखिएगा भी, और साथ ही इस पर पेन चला करके गुड इवनिंग, अभी तो इवनिंग नहीं हुआ, लाइफ लाइन क्लासेस जी, आपका लाइफ जो है लाइन थोड़ा सा क्रॉस हो गया, इसलिए लाइफ लाइन कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, अभी लाइफ लाइन थोड़ा बैक रखिए, गुड आफ्टरनून में रखिए उसको। क्लासेस जो है, ग्लासेस है, टॉन्स चिमटा है, जैसे आप एनल्स देखते हैं, बिलोंगिंग्स देखते हैं, एरियर्स देखते हैं, बहुत ऐसा कुछ होता है, तो क्या करिए इसको असाइनमेंट निकाल लीजिएगा, सही आपका कहना है, और साथ ही में इसको निकालने से नहीं होता, उसके बाद इस पर पूरा पेंसिल लेकर के पेन लेकर के एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, और फिर क्वेश्चन की बात करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन की बात करेंगे तो पिछले क्लास में भी क्वेश्चन की बात हुआ था, ये देखिए सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का क्वेश्चन सब देखिएगा, क्वेश्चन सब इतना दिया गया था पहले क्लास में भी आपको, जैसे पिछले क्लास में बहुत बच्चे बनाए भी थे, देखिए क्वेश्चन सब अभी तुरंत हम बताएं, बना सकते हैं क्वेश्चन, बताइए जल्दी तो, अब कुछ क्वेश्चन बना के हमको दिखा दीजिए जल्दी तो, अब इतना क्वेश्चन कम से कम हमको बता दीजिए जल्दी तो, यहां तक का जल्दी बनाइए तो, ये सामने क्वेश्चन सब आपको देंगे तुरंत आप बना दीजिएगा क्वेश्चन सब। तो मेरा एक स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा राम कल्याण जी, लाइफ लाइन जी, बाबा जी, ललिता जी, नेहा जी, कि जब भी कभी हम आपको कंसेप्ट पढ़ाएं उसमें आप पूरा फोकस करिए ऑन बोर्ड पर, गौर करिए, कोई भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ना बने तो फिर मैं आपके साथ हूं, अब आप बोलेंगे फिर से, लेकिन जब कंसेप्ट पढ़ाएं तो उसमें पूरा फोकस करिए, और जब कंसेप्ट पढ़ने के तत्पश्चात जो एग्जाम्पल दे तो वही कंसेप्ट जो आपका होगा वो कंसेप्ट आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट कर देगा क्वेश्चन पर, फिर कोई भी क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा, आप तुरंत बना के निकाल देंगे उसको, तो कोशिश करिएगा इसको आप बनाने का। जैसे अभी दिखाएं आपको कि स्पेक्टिकल्स में ऐसा लगा रहता है भर पुल लेता है, दैट मींस आंसर आ जाएगा, ऐसे ए पेयर लगा दिया मतलब यूनिट लगा दिया, अभी बताएं यूनिट लगाने पर क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स कर दिया तो भर क्या ले लेगा, हैच, ए पेयर ऑफ सीजर्स कर दिया तो भर क्या ले लेगा, हैच, मतलब ये यूनिट लगाने लगा, जो ये बात किए थे पहला नंबर रूल पर, रूल नंबर वन पे बताए थे आपको कि ऐसा रहता है तो जब यूनिट लगा लेता है तो भर सिंगुलर लेता है, अगर यहां पर हम टू लिख देंगे और यहां पेयर्स लिख देंगे तो भर पुलल हो जाएगा, यूनिट का सिंगुलर पुलर बनाना पॉसिबल है क्योंकि यूनिट एक प्रकार का कॉमन नाउन है, तो आप इसका पुलर भी बना सकते हो, इसका सिंगुलर भी बना सकते हो, डायरेक्टली लिखा माय सीजर्स बंद कर लेंगे पुलर, द सेनरी पहला वाला रूल में क्या बताएं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में भी सिंगुलर होते हैं और भर भी सिंगुलर लेते हैं, उसी लिस्ट में था सेनरी, उसी लिस्ट में था फर्नीचर, उसी लिस्ट में था पोट्री, तो ये
चाहे पोट्री की बात करें, फर्नीचर का या सनरी की, ये सब कुछ आपका हाँ अब दिख रहा है। बहुत अच्छा बाबा, थैंक यू प्रियंका जी, रमानंद रॉय जी। चलिए तो ये जितना भी टॉपिक है वो सब ध्यान रखिएगा, सबका लिस्ट हम जारी कर दे रहे हैं और लिस्ट एक बार देख लीजिएगा तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बनने लगेगा। सर भारत सिंगुलर लेगा, सिंगुलर लेगा, सिंगुलर लेगा। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे कैटल का, कैटल हमेशा प्लुरल होता है, ये आगे बता रहे हैं, धीरे धीरे आगे बताना शुरू कर रहे हैं, उसके बाद फ्री ये सब अभी बनना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन में नो डाउट, बशर्ते क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कंसेप्ट पर, कंसेप्ट पर फोकस करोगे तो फिर एग्जाम्पल खुद ब खुद फोकस हो ही जाएगा। बात करें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसके बाद में, इसके बाद पॉइंट है, देखिए ये वाला तो एक लिस्ट अलग से है, ये वाला भी लिस्ट आप लोग को जारी कर देंगे। ये जो सामने लिस्ट दिख रहा, ये लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। पूरा लिस्ट से इतना ज्यादा हम बना के लाए हैं कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस बशर्ते लिस्ट पर एक बार क्या करेंगे, आप इसका फोटो जो है कॉपी लेकर के उस पर लिस्ट पर एक बार जो है ना पेंसिल लेकर के एक बार देख लीजिएंगे कौन कौन सा है ऐसा जो सिंगुलर में है। देखिए डिफरेंट टाइप और सेम टाइप, दो टाइप के कलेक्टिव नाउन बताए थे ना, तो देखिए डिफरेंट टाइप में सब आता है, सब डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए डिफरेंट टाइप में आते हैं, ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं कि आपको कैसा होता, किस तरह का होता। अब कुछ सेम टाइप वाले दो असाइनमेंट है यहां पर, एक असाइनमेंट नहीं है, दो दो असाइनमेंट दिए हैं आपको। फर्स्ट असाइनमेंट दिए जिसमें आपको कलेक्ट जो सेक्शनली बना बना कर एग्जांपल भी दिए, और सेकेंड असाइनमेंट जो दिए उसमें पूरा डाटा इकट्ठा कर दिए, साथ ही में यूनिट डाल दी। कई बच्चे का यूनिट का मांग होगा, अभी जैसे आपका कैटल वाला क्वेश्चन आया था, कैटल वाला वो देखिए यहां पर आ गया। यहां पे क्या है, सेकंड वाला में आते हैं, बात करते हैं यहां पर। तो सेकंड वाला हम देखिए क्या लिखा है, सम प्लुरल नाउन्स इन सेम टाइप, सेम टाइप वाला आता है, और सेम टाइप वाला वर्ब क्या लेता है, प्लुरल लेता है। पहले ही बताएं कैसा नाउन है, प्लुरल नाउन है तो प्लुरल ही वर्ब लेगा ना, जैसे कैटल। अभी जो क्वेश्चन आया था कैटल के साथ कैसा वर्ब लेंगे, कैटल के साथ प्लुरल वर्ब लेंगे, ठीक है। कैटल की बात करेंगे, फॉल की बात करेंगे, पीपल की बात करेंगे, जेंट्री कई बार पूछा एग्जाम में, एग्जाम में प्रीवियस में कई बार जेंट्री आता है। पोल्ट्री की बात करेंगे, मुर्गा खाना है, पुलिस है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, वर्मिन है, पेजेंट्री है, इंटेलिजेंट है, ज्यूरी है, ऐसा कई चार्ट होता है। ये पूरा चार्ट एक बार देख लेंगे, हाँ एक बार समझा दीजिए, समझा रहे हैं कविता कुमारी जी, हम पहले ही समझ जाते हैं ना कि आपको करना क्या है, समझना क्या। आई लीव एट सीतामढ़ी, थैंक यू बाबू, मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो ये सारा फंक्शन जो आपको पूरा मिल जाएगा, देखिए पूरा लिस्ट है, और ये यूनिट वर्ड कहिएगा, सर यूनिट वर्ड किसे कहते हैं, यूनिट का पूरा चार्ट दिया हुआ है, यूनिट का काफी लंबा है ये, आपका तीन पेजेज का है, देखिए यहाँ पे थ्री पेजेज लिखा हुआ ना, थ्री पेजेज का ये पूरा असाइनमेंट है, ये आपको एक साथ मिल जाएगा। उसके बाद पीछे जो अभी दिखाएं वो मिल जाएगा, ये सब देखिए यहाँ पर कितना है, एमेंट्स क्या है, एनल्स क्या है, यही ना भैया बता रहे थे, सब में एस लगा रहता है, ऐसा लगा रहता है वो वाला चार्ट सब। ये पूरा असाइनमेंट अभी आपको मिल जाएगा, ये सब में देख लीजिएगा, पूरा नाउन क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। बात इसी असाइनमेंट की करेंगे, दोनों अलग अलग असाइनमेंट है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। देखिए ये अलग है, ये जो पॉइंट्स है ये अलग है, ये एक साथ में अलग मिलता है, ये वाला पॉइंट्स अलग मिलेगा, वो वाला पॉइंट्स अलग देंगे, दोनों का रहेगा एग्जाम में कहीं से भी। हां क्वेश्चन वाला असाइनमेंट में आंसर दिया रहेगा, ये तो आपको डाटा वाला है, ये डाटा क्लियर करता है, इसमें असाइनमेंट में आंसर क्या दे, ये तो डाटा क्लियर करता है आपको। यहां तक हम लोग बात कर लिए थे, अब हम आगे आते हैं नंबर तीसरा पर। ये तीसरा नंबर से भी क्वेश्चन कई बार आता है, यहां पे फोकस करिए, क्या है नंबर थर्ड पे, नंबर थर्ड की बात करेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों रूप में बिना कोई परिवर्तन लाए किए जाते हैं, मतलब हम आप किसी को उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, ठीक ना, हम आप परिवर्तन नहीं लाएंगे उसमें बाबू, ठीक ना। उसमें क्या होगा कि बिना कोई परिवर्तन लाए हुए वो नाउन जो ऑलरेडी जो होगा कैसा केस में रहेगा, सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों रूप में चले जाते हैं। ऐसा कौन कौन सा होता है, ऐसा होता है मींस, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, ब्रैकर्स, आगे पेस की बात करेंगे, पेसेस का बहुत सारा ऐसा नाउन है, यहां तक देख लीजिएगा, सीप है, डियर है, स्विन है, एकाप्ट है, सलमन है, ट्राउट है, फिश है, ये सब सिंगुलर प्लुरल दोनों में होता है। अब ये सवाल उठता है कि सर कैसे समझेंगे सिंगुलर में, कैसे समझेंगे प्लुरल में, तो इसमें आप फिर से ईएस लगा देते हो तो ये प्लुरल बन जाता है, और ये डायरेक्टली छोड़ देते हो तो सिंगुलर फॉर्म आता है। जैसे यहां देखिएगा, कह रहे कि देयर आर सेवरल मींसेस, मतलब वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली, इनकरेक्ट है, क्योंकि अब इसमें क्या कि सेवरल मींस जो फॉर्म होता है वो मींस वाला फॉर्म कह रहा है सिंगुलर प्लुरल दोनों रूप में बिना कोई परिवर्तन लाए हुए, इसका मतलब उसमें परिवर्तन नहीं लाना, आपको कोई भी परिवर्तन नहीं लाना, और आप यहां परिवर्तन ला दिए कि मीन में ईएस जोड़ दिए, मींस में, ऐसा नहीं होगा। चार्ट कहां मिलेगा विशाल कुमार यादव जी, चार्ट मिलेगा आपको, ये रहा सामने, ये देखिए ये रहा सामने आपका एप्लीकेशन, क्या है एप्लीकेशन, यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप,
इस पर आप जाएंगे और इस पर सारा चीज का पीडीएफ जो अवेलेबल है आपकी तैयारी को और बेहतर और मुकम्मल बनाने के लिए, या हर कदम प्रयास करने को यूनिक पब्लिकेशन योगदान देगी आपका कि आप बेहतर करें और ज्यादा विकास करें और आप अपना और साथी में अपने राज्य देश की नाम रोशन करें। ये सारा चीज है आपका जो पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ पीडीएफ ऐसा है जो पेड वर्जन में है, कुछ पीडीएफ ऐसा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो कुछ पीडीएफ जो पेड वर्जन होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना होगा, जिसके लिए सिस्टम काम कर रही है, ये सारा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ पे वर्जन में रहता है। पे में ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ है, आप वैसा जैसे डाटा रिचार्ज कराते हो वन मंथ का, एज अ लाइक अ वन मंथ का रिचार्जिंग पैकिंग ही में आपको सारा कंप्लीट जो है कितना प्राइस है। हाँ बता रहे बाबू, देखिए अभी हम आपको समझ रहे थे आगे आप पूछेंगे ही तो ये आपका ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई फी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, पहला बैच जो हम लाए थे सिविल कोर्ट का वो पूरा फुल हो गया, उसमें एवरेज बच्चे का एडमिशन जो है पूरा हो गया। उसका सेकेंड बैचेज लाए और सेकेंड बैचेज जो है उसमें एडमिशन अभी चल रहा है, आप लोग का सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर आप हो या आपका कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, या कोई बच्चा एकेडमिक तैयारी कर रहा हो मैट्रिक इंटर में हो, उसका भी ग्रामर और बेहतर करना हो, उसको और ज्यादा पकड़ बनाना हो बेहतर करने के लिए, तो उसको नहीं बस मिनिमम फी दिया गया जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर चल पाए 250। आज के इस महंगाई के जमाना में अगर देखा जाए, बात करेंगे इस जमाना का, तो उसमें अब सब कुछ इतना महंगा हो गया कि सही से अगर आप कहेंगे तो एक वक्त की खाना भी एक अच्छी होटल में 250 में नहीं हो पाएगा ना, और अच्छे करते हैं तो फिर ये पूरा कोर्स है आपको 250 में, मतलब जो सिंपली कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंडिंग है वो केवल पे करें और क्लास पूरा करें। पूरा क्लासेस में आपका सारा असाइनमेंट है, टेस्ट है, पीडीएफ है, सब कुछ दिया जाता है फ्री में। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी हम बता रहे हैं ये सामने, इसमें एक बार बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको बहुत कुछ समझा दिया जाएगा। चलिए आते हैं अपना मुद्दा पे। ये जो टर्म है इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर सेवरल मींसेस नहीं होता, ये डायरेक्ट आप यूज कर दीजिए यहाँ पे, देयर आर सेवरल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली, करेक्ट हो गया। तो ये प्लुरल में भी रह सकता है, सिंगुलर में भी रह सकता है, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का है। हाँ सही बात है सुधांशु, टेक्निकल कम जी, वो बच्चे क्लास नहीं करेंगे जो पहले कर रहे हैं क्लास, ठीक ना। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जगह एक्स्ट्रा दिमाग पढ़ाई में लगा लीजिएगा, ठीक ना। पढ़ाई में एक्स्ट्रा दिमाग लगेगा तो कहीं ज्यादा बेहतर कर पाएगा। कि ये जो है पहले क्लास वो बच्चे जो कर रहे हैं उनका नहीं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो बच्चे न्यू जुड़ना चाहते हैं, आप सही से सुने नहीं शायद, हाँ इधर ललिता जी बोलते, यू आर राइट सर। देखिए सही से सुनिए, कोई भी चीज को बोलने और सुनने से पहले अपना कमांड कर लीजिए। आप एक अच्छे होनहार स्टूडेंट हैं, आगे बढ़ना है तो आपको सुन करके, एक ऑफिसर को बिना सोचे समझे बोला नहीं जाता है, ठीक ना। ध्यान से समझ करके बात समझिए, उसमें बोले भी हम आपको जो पहले क्लास कर रहे हैं उनके तो बैच फुल है, सेकेंड बैच है नाउ से 8 दिसंबर से। तो आपको लगता है कि पहला बैच कर लिए उसके बाद फिर दूसरा बैच में ज्वाइन करेंगे, फिर से पैसा लेगा, ये क्या सोच रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अपना अपना सोचते रहिए। There are several means of transport in India. Several means, several के साथ noun PCN आता है। अब ये कैसे समझेंगे सर, several के साथ noun PCN आता है? तो देखिए कि कुछ noun ऐसा होता है, बुक कहाँ से लेना होगा, बुक आपका हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप मार्केट से ले सकते हैं, नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप से। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, उस पर बात कर लीजिए। नेक्स्ट आगे, तो इसमें जब भी कभी अगर बात करेंगे पुलल का तो ध्यान रखेंगे 100 million, 1000, 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
थाउजेंड दर्जन करोड़ लाख, ये जब भी आता है तो आगे नेक्स्ट फॉर्मेट होता है पुलर माना जाता है। और ये जो अभी बताया आपका चार्ट में, ये पुलर सिंगुलर दोनों होता है। तो आप अगर इस टाइप का यहां पे सेवरल दिया हुआ तो इसके बाद नाउन पुलर होगा, और दे आर हियर अभी बताए थे डमी सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा नाउन में सर। बहुत अच्छा, तो ये जो बताया कि सेवरल जब भी दियर हियर आता है डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट के बाद वाला जो पॉइंट होता है, डब्बी जब सब्जेक्ट के बाद वाला पॉइंट होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो यहां सेवरल के साथ मींस है, मींस को पुलर माना गया, तो पुलर माना गया तो भर क्या लेगा पुलर, अर्थात ये क्वेश्चन सही है। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, मींसेस कर दिया गया था, ये मींसेस नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी कलेक्टिव नॉन, इसका पुलर बनाना उचित नहीं है, कोई भी कलेक्टिव नॉन का पुलर बनाना उचित नहीं रहता। आगे बढ़ते करे कि माई मीन्स जो है आर नॉट इनफ टू हैव सेविंग्स फॉर द फ्यूचर। मेरा जो साधन है, जो मीन्स मतलब क्या था, मीन मतलब अर्थ, मीन्स मतलब साधन। आप नंबर क्लास किए होंगे, संडे स्पेशल क्लास में नंबर चलाए थे, संडे स्पेशल क्लास में नंबर चलाए थे, उसमें आप देखे होंगे कि जे भी एस लगने के बाद कई मीनिंग सेंस चेंज कर जाता है,
मीनिंग और सेंस चेंज करता है कहां पे एस लगने के बाद। उसमें ये बात बताएं कि जैसे कि मींस हो गया, अब मीन मतलब अर्थ होता है, मींस मतलब साधन होता है। अब साधन पुलर लिस्ट में ये कैसे जानेंगे, इसके लिए लिस्ट के बारे में किस ध्यान रखेंगे, ये जो लिस्ट आपका इसको ध्यान रखेंगे कि साधन पुलर होता है इसके बारे में। ये लिस्ट हम तैयार करके आपको दे रहे हैं और ये लिस्ट के हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। There are several means of transport in Delhi. यहाँ पे several जो है there के बाद are लिया, several के साथ means उसके हिसाब से verb लिया। अब my means are ली, पहले से लिए लिया। आप कह रहा कि not enough to have savings for the future। सब बेस सही है कि आप noun भी सही रखे हैं, means को और verb भी सही दिया are। अब आगे कह रहा है कुछ noun ऐसे होते हैं, कुछ noun ऐसे होते हैं जो रूप form में से singular होते हैं, उन्हें plural माना जाता है, इसमें s नहीं जोड़कर plural बनाया जाता है। यही क्वेश्चन आया था अभी, अभी जो चार्ट आया था, अब आपके पीछे कितना मेहनत हो रहा है ये आप नहीं देखते, लेकिन आपके पीछे क्या हो रहा है ये आप जरूर देखते हैं कि हाँ कितना फी है, क्या ले रहा नहीं ले रहा। अरे भाई इसको देखो ना पॉजिटिव नजर में, जिसका सेंस होता। नेक्स्ट आगे अगली बात करेंगे, कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जो रूप फॉर्म से सिंगुलर होते हैं पर उन्हें प्लुरल माना जाता। बात यहां समझिए थोड़ा सा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जो फॉर्म में देखने में सिंगुलर होगा, क्या होगा मतलब देखने सेंस में सिंगुलर होगा लेकिन भर्ब की साल करेंगे तो प्लुरल होगा। अब ये कैसा होगा कि सिंगुलर प्लुरल दोनों होता, जिसे भी बताएं कि कैटल। नॉर्मली अगर हम लोग सोचते हैं, कोई नाउन में एस एस ना लगा हो, एसीएस ना लगा हो नाउन में, तो नाउन क्या होता है सिंगुलर होता है, और नाउन में एसीएस लग जाए तो क्या होता है प्लुरल होता है। जैसे अगर हम कहेंगे बॉय गर्ल टेबल चेयर, तो सिंगुलर में, और टेबल्स बॉयज गर्ल्स एस लगा दी तो प्लुरल होता है। लेकिन बात यहां नहीं, यहां पर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना है, थोड़ा चेंजेबल पॉइंट बनाना है डाइवर्जन के सेंस में। क्या है डाइवर्ट करना, कि अगर कुछ ऐसे नाउन होते हैं कलेक्टिव नाउन के लिस्ट में, कलेक्टिव नाउन की बात अभी हम लोग कर रहे हैं और पिछली क्लास से कलेक्टिव नाउन का ही चल रहा है, इतना डीपली कलेक्टिव नाउन आप इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे ना आगे देखेंगे, ये हम चैलेंज के साथ करेंगे कि कलेक्टिव नाउन में इतना समय कोई टीचर नहीं देता जबकि क्वेश्चन कलेक्टिव नाउन से ज्यादा उठता, ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं। आज 12 साल से जो टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग आर्ट के हिसाब से कह सकते हैं, हम भी देखें जमाने को जो जमाने में आप जिया करते हैं, आप भी देख लिया उस जमाने को जिस जमाने में हम अपने आप से जिया करते हैं, तो वो देखिए कि क्या कर रहे हैं और किस हिसाब से कर रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन का वो लिस्ट जो इसमें एस ना लगा हो, मतलब नॉर्मल व्यू से देखे तो सिंगुलर लगता लेकिन होता प्लुरल है, वो क्या हो नॉर्मल दृष्टिकोण से देखे तो लगता सिंगुलर है लेकिन होता प्लुरल है, वो लिस्ट आपके सामने रूल नंबर चार पे। क्या है नंबर चार पे, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फॉर्म से सिंगुलर होते हैं उन्हें प्लुरल माना जाता है, मतलब फॉर्म देखने में तो लगेगा सिंगुलर जैसा लेकिन होता क्या, वो प्लुरल होता है। यही क्वेश्चन अभी आया था कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, जब बात करेंगे बीएसआरबी 1986 का, 1986 एग्जाम में जब एग्जाम हुआ था बीएसआरबी का, तो उस समय जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन जो था वो आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे बीएसआरबी का, वो कैटल पे ही पूछा हुआ था, लिखा हुआ था कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आंसर में लिखा हुआ कि कैटल मैस ना लगाए, वो नाउन क्या होता है देखने में क्या लग रहा चाहिए उसको सिंगुलर और होता वो प्लुरल है। हाँ ए नंबर द नंबर में अंतर बता दे, चलिए चलिए आपकी फरमाइश है, नंबर द नंबर में देखिए ए नंबर द नंबर में अंतर, मैंने पढ़ा रहे हैं अभी कुछ और बीच में कुछ और पूछ रहे हैं। ए नंबर द नंबर आपकी पूरा कहानी अगर हमसे पढ़िएगा तो बहुत समय लग जाएगा, 20-25 मिनट में शॉर्टकट में देख लीजिए। जब कभी बात करेंगे यूनिट रूल का, तो उसका दो फॉर्मेट होता है, एक होता है ए या एन लगा हुआ, एक होता है नंबर लगा हुआ। तो ए या एन लगता है तो आगे यूनिट होता है एससीएन फॉर्म में, और आगे ऑफ करके नाउन डालता है, दो तरीका से, एक पीसीएन डालता है एक एसयूसीएन डालता है, और वर्ब हमेशा इसका सिंगुलर होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जब बात करेंगे नंबर का तो यहां डालेगा 2, 3 मैनी, और यूनिट डाल देगा पीसीएन में, ऑफ डालेगा फिर नंबर डालेगा यहां पे नाउन पीसीएन, या नाउन डालेगा एसयूसीएन वर्ब देगा प्लुरल। ये यूनिट रूल होता है, इसके बारे में काफी 26 रूल लिखाते हैं बैच में यूनिट का, और जस्ट नीचे में लिखाते हैं दो एक्सेप्शन नियम अपवाद में। अपवाद में क्या सुनिएगा कि ए नंबर द नंबर के बारे में कहानी, कि ए नंबर जब भी आता है ए नंबर ऑफ, कुछ आदमी चेक करते भी होंगे, ए नंबर ऑफ के साथ पीसीएन आता है और वर्ब भी क्या लेता है प्लुरल लेता है, और द नंबर ऑफ जब भी आएगा तो क्या होगा द नंबर ऑफ के साथ नाउन आगे पीसीएन होगा और आपका वर्ब आगे सिंगुलर होगा। ये दोनों में रीजन क्या है समझिएगा, ए नंबर को कई एग्जाम से पूछता है ऐसे करके, ए लार्ज नंबर, ए प्लेंटी नंबर, ए हाई नंबर, ए लो नंबर, ए मोस्ट नंबर, या पूछेगा द हाई नंबर, द लो नंबर, द मोस्ट नंबर, द प्लेंटी नंबर, यहां पर कुछ एडजेक्टिव लगा देता है, यहां कुछ एडजेक्टिव लगा देता है, उसको पूछता है चीज। लेकिन बात वजह समझिए थोड़ा सा, ए नंबर कहने से कंप्लीट ग्रुप का सेंस आता है, ए नंबर कहने से कंप्लीट ग्रुप का सेंस आता है।
हाँ, पूरा बोर्ड ढक लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत समझने के लिए आपको सामने खाली छोड़ देते हैं। आप क्या करने की भेजा में स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, जाके असाइनमेंट ले लीजिए एप्लीकेशन पर, और वैसे भी असाइनमेंट मिला होगा। बोर्ड इतना बड़ा है, इतना बड़ा बोर्ड कैसे ढक लेते हैं? विष्णु जी लैंग्वेज सही कर लीजिए, वरना कुछ देर में लगता है कि हमको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। ए नंबर में बोर्ड इतना खाली है, कैसे बोर्ड ढक लेते हैं? बोर्ड इतना खाली, जहां समझाते हैं तो खाली छोड़ देते हैं। ए नंबर जब भी आता है तो आगे नाउन प्लुरल वर्ब प्लुरल लेता है। द नंबर जब भी आता है तो नाउन प्लुरल वर्ब सिंगुलर लेता है। ए ग्रुप का सेंस देता है, कंप्लीट ग्रुप का, एक बार में पूरा ग्रुप का सेंस देता है, और ये कंप्लीट सेपरेट फॉर्म को देता है। एक निश्चित संख्या में आता तो वह क्या लेता है? वर्ब सिंगुलर, और एक कंप्लीट ग्रुप में आता तो वर्ब प्लुरल। ये बातें यहां का है ही नहीं, ये बातें आगे बताना नंबर में, नंबर में यहां पर बातें नहीं, चलिए बता दिए ना, हो गया क्लियर। आगे बढ़िए, यहां पर आते हैं, इसके सेंस पकड़ लिए। अब यहां से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सारा असाइनमेंट जो है नंबर विष्णु कुमार जी, ये सारा असाइनमेंट आपको मिल गया, तो आपको पूरा बोर्ड देखने से क्या मतलब है? सेंस ऐसा सा दिमाग लगाते हैं ना। ये सारा असाइनमेंट आपको मिला हुआ, नाम से ही हम पकड़ लेते हैं आपको, दूसरा नाम चैनल बना लीजिए, तब आप उल्टा सीधा बात बोलिएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कुछ नाउंस ऐसे होते हैं जिसमें पहले से एस एस जुड़े होते हैं, पर ये पुलल नहीं होते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। मतलब देखने में लगेगा पुलल जैसा, लेकिन होता है, हाँ सब नोट करते हैं, इसलिए बोलते हैं। ऐप एप्लीकेशन पर बोल रहे हैं एक बच्चे, सब नोट कर रहे हैं। इसको हम 100 बार बोल दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में एप्लीकेशन पे है ये चीज़, काहे नोट करके समय बर्बाद कर रहे हैं? ये चीज़ एप्लीकेशन पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में रखा हुआ, ले लीजिए। बस यहाँ समझने के लिए ना है, क्लास में कॉन्सेंट्रेट करेंगे समझने के लिए, लिखने पर नहीं। लिखा हुआ चीज़ पहले एप्लीकेशन में मिल जाए, हुआ एप्लीकेशन पे है, मैंने एक इंसान अपना एफिशियंसी जो होता है, जो उसका हाँ कोई बात नहीं, ये पूरा शब्द का प्रयोग करते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि डाइवर्ट हो जाता है सेंस। विष्णु जी पूरा शब्द का प्रयोग नहीं करते, ये लिखना नहीं है। तो ये जो आपका जो इंसान के पास इफिशियंसी होता है, दक्षता होता है उसको सीखने का या कुछ करने का, इंसान को देखते हैं कि वो अपना दक्षता का 80% उस चीज़ में लगा देता है जहाँ से उसको कुछ मतलब इन फ्यूचर में कुछ नया बिल्ड नहीं कर पाता, वो कुछ बेहतर नहीं कर पाता, जिंदगी को बेहतरीन नहीं कर पाता। तो आप में जो एफिशिएंसी है सीखने का, कुछ करने का, कुछ तमन्ना है, तो वो आप पूरा फोकस करें ना लिखने पर, पूरा फोकस लिखने पर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिए। आप लिखने के बजाय फोकस करिए समझने पर। वीडियो दोबारा देख के भी तो आप लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी तो हाई हो चुका है, आप इसको दोबारा देख कर भी लिख सकते हैं, साथ ही में एप्लीकेशन पर जाकर के मटेरियल भी ले सकते हैं। तो पूरा फोकस करिए इस पर सीखने पर, फिर लिखने की बातें और जो असाइनमेंट की बातें होंगी वो सेकेंड बात में होगा। उसके लिए पब्लिकेशन आपका हमेशा योगदान रहेगा कि ये सारा असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा। आगे बात करते हैं नंबर 5 पे, क्या है कि जब एस सी एस जुड़े होते हो पुलल में तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं ना, देखने में लगेंगे पुलल जैसा, उसमें लगा रहेगा एस सी एस, लेकिन वर्ब क्या लेगा? वो सिंगुलर लेगा। जैसे देखिएगा, बहुत अच्छा, देखिए बने रहिए, मजाक कर रहे थे, अच्छा बात। लेकिन कभी अगर हम डांटते भी हैं कई बच्चे को, देते आपको तो ऑनलाइन में कभी डांट के छोड़ देते हैं, ऑफलाइन में तो डंडा भी चला देते हैं। ऑफलाइन में एक स्टिक रखा हुआ, एक हद की सीमा पार हो जाता है, जब 4 दिन 5 दिन से होमवर्क दे रहा है, गार्जियन को देखते हैं कि मतलब हाथ जोड़ते हैं कि सर थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, थोड़ा सा बच्चे को देखिए, केयर करिए। बच्चे को देखते हैं एकदम हवा में उड़ रहा, बसंती हवा हूँ, ना मेहनत करने का उजाश नहीं। 3 दिन क्लास एबसेंट किया, कहाँ गया? दोस्त के यार के यहाँ चला गया, किसी के शादी में, मतलब लाइफ के प्रति केयर नहीं कर रहा, और होमवर्क दे रहे हैं उसको मतलब आ नहीं रहा समझ में, बना नहीं रहा, जबकि 10 बार बता दिए, फिर अगले दिन बना के नहीं रहा। तो काफी उसमें ना एक्शन लेना पड़ता है, वो एक्शन फियरफुल कहो, लव कहो। महात्मा गांधी का स्टेटस था एक दिया हुआ कि इंसान को जो टीचिंग होता है, टीचर के एक पास एक बेस्ट टीचिंग आर्ट होता है, वो कोर्स हम ही किए हैं और देखे भी है, कि उसमें लव और ह्यूमिनिटी सब रहता है, लव रहता है, फेयर रहता है, एंग्री रहता है, ठीक ना। और आपको शो कहते हैं FAL का फॉर्म होता है, फैल का, फेयर में कहता पहले फेयर से, डर से होता। कभी कोई शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे को थोड़ा डराना कि कल मारेंगे, कल पीटेंगे, कल ये करेंगे, याद करके लाना, बच्चा याद कर लेता। लेकिन अगर बच्चे को जब उससे भी नहीं याद करता तो फिर क्या करते हैं टीचर, उसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आप इसको डांटें, डांटने के बाद इसको क्या करें, उसको और ज्यादा गुस्सा होकर के डांटें, या उसको एक्शन ले, रिएक्शन ले, तो ऐसे केस में वो याद करता। वरना अगर आप लव से करेंगे तो क्यों हमको एंग्री का और फेयर का हेल्प लेना पड़ेगा? पहले तो हम प्यार से कहते हैं कि बाबू याद कर लीजिए, बाबू ये फ्यूचर है, तो बाबू कहते इतना ना बाबू भैया हो जाता है कि बउआ कौआ बन के उड़ जाता है। इसलिए कभी कभी रिएक्शन लेना पड़ता है, और ऐसा मोहसर ना आए आपके साथ में कि आपको रिएक्शन लेना पड़े। आप खुद जो है एक होनहार स्टूडेंट है, अपने माता पिता, अपने समाज का एक अच्छे
कह सकते हैं कि स्टूडेंट है तो आप मेहनत करें और अच्छा करें। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, गार्जियन बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहा कि बाबू थोड़ा सा पढ़ लो, इतना मेहनत करके पटना में रखते हैं, 5,000-6,000 रुपया खर्च करते हैं, पढ़ लो। लेकिन उनका बच्चा को देख रहे हैं भाव खा रहा है एकदम कि हम पढ़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, जमाना बदल जाए, सूर्य पूरब से उगना बंद कर दे, हम पढ़ेंगे नहीं। ऐसा जो कसम खा लेता है ना, उसके पीछे थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है रिएक्शन करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, एथलेटिक्स है, डायबिटीज है। इसमें आप गौर करेंगे, ये जो चार्ट है इसमें कुछ नेम ऑफ डिजीज है। बहुत अच्छा, राइट सर, आप हम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू ललिता जी, आप बहुत अच्छे समझाते हैं नेहा जी, थैंक यू। ये जरूरी भी है, ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ सर डांटना चाहिए अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा हो तो। चलिए नेक्स्ट। अब ये ना क्यों क्या सोचेंगे कि एक्ट जो 2020 का अमेंडमेंट आया उसमें आप पहले वाला 19 वाला में भी आप पढ़े होंगे, आप तो ऐसे नहीं है, उस कोर्स में पढ़ेंगे। संडे स्पेशल क्लास हुआ था, हाँ हुआ था संडे स्पेशल क्लास, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं हुआ था, ऑनलाइन में किसी रीजन बस में क्लास पोस्टपोन कर गया था, ऑफलाइन क्लास में हुआ था। और अगले संडे से भी बैठने का जगह नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा दीवार तोड़वाएंगे तो बैठाएंगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब जब भी एस लगा रहता है ये देखने में ऐसा लगता है जैसे कि मिरिक मिर्चिका हो। मिरिक मिर्चिका के बारे में पढ़ते हैं, बिहार की धरती से पढ़ना, हाँ हम भी बिहार की धरती से आपको खूब आशीर्वाद देते हैं। चलिए बाबू नहीं धरती से पढ़ना, मेहनत करने रहे धरती से पढ़ना। देखिए यहाँ से ये जब भी आता है ऐसा, मिरिक मिर्चिका की मतलब क्या होता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, कभी कभी गर्मी के समय आप रोड पर गए होंगे, बात करेंगे ऑन एनएच का, एनएच पर, तो आप देखे होंगे या वैसे लोकल रोड में भी जो लोड कह सकते हैं कि ब्लैकली या हो, कालीकरण का हो, तो उसमें आप देखेंगे कभी कभी ऐसा एहसास होता हो, प्रतीत होता हो, फीलिंग होता हो, संवेग होता हो आपका, कि देखने में लगेगा पानी जैसा है और आप उसके पास पहुंचेंगे तो पानी मिलेगा नहीं आपको। कभी आप ऐसा देखें गर्मी समय रोड पर गए हैं तो रोड पर अगर गाड़ी चला रहे तो आपको लगेगा कि दूर थोड़ा सा 200 मीटर 300 मीटर दूर जा करके देखेंगे आपको पानी जैसा प्रतीत होता, ऐसा अपीयर होता है, मतलब कि सामने पानी है रोड पर, लेकिन आप उसमें जाएंगे उसके पास में तो पानी होता नहीं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको ऑन बोर्ड वाली बातें, तो ऐसा प्रतीत होता है हम लोग का, लेकिन प्रतीत होता है लेकिन वाजिब में वो है नहीं। वैसे सामने जो बातें अभी आपका रखा हुआ रूल नंबर 5 पर, ये प्रतीत होता है पुलल के जैसा, क्योंकि इसमें ऐसा लगल है। अब जमाने में हम लोग क्या सहते हैं, नींद टूट जाता है, अच्छा बात है, आपकी बात सुनकर के नींद टूट जाता है, ठीक है, टीचर का डांटना आशीर्वाद होता है, बहुत अच्छा ललिता जी थैंक यू। देखिए तो वो क्या होता है कि सामान्य में हम लोग क्या समझते हैं, सामान्य संवेग कहता है क्या कि एस लगा रहता कोई नाउन में तो पुलल होता है, ये नहीं समझते हैं। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि नहीं, मिरिक मिर्चिका की तरह देखने में पुलल लगेगा एस लग करके, लेकिन होता वो सिंगुलर है। अब इकोनॉमिक्स देखिए, मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स जो देखे होंगे ये एक जर्मनिक नेम है मैथमेटिक्स, जो मैथमेटाइज शब्द से बना है। मैथमेटाइज शब्द का मतलब होता है रीजनल एंड कैलकुलेशनल फॉर द पर्पस ऑफ द नैरो एंड बैकग्राउंड फॉर्मेशन, कि आप किसी भी उद्देश्य को लेकर के आप किसी चीज को जो बनाते हैं या कैलकुलेशन करते हैं, रीजनेबल कैलकुलेशन करते हैं, वो सब पॉइंट को मैथमेटाइज कहते हैं। तो वो मैथमेटाइज सबसे बना मैथमेटिक्स, तो इसमें ये ऐसा लगा हुआ पॉइंट पहले से ही है, आप ये मत समझे कि इसका पुलर बना दिए है। इसका स्पेल टेस्ट में आपका ये आता है कभी कभी कि मैथमेटिक्स के लास्ट में क्या रहता है, आईसीएस, फिजिक्स में आईसीएस, पॉलिटिक्स में आईसीएस, एथलेटिक्स में आईसीएस, ये आईसीएस, इकोनॉमिक्स में आईसीएस। तो आप जब से कोई बैच किए होंगे आप सेपरेट वाला, जैसे कि अभी बैच सब बहुत सारा आता भी है और बहुत आने वाला भी है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, तो उसमें देखे होंगे क्या कि इस एक अलग साइट से हम लिखवा दिए हैं आपको, क्या लिखवा दिए हैं कि जो आईसीएस वाला विषय का नाम, विषय के नाम में डाल दिए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, आप पॉलिटिक्स है, एथलेटिक्स है, इस टाइप का। इसके बाद नंबर सेकेंड कर दिए, इसको अलग अलग कर दिए, इसको पार्ट को दो पार्ट में तोड़ दिए ताकि और बेहतर और आसान हम पढ़ाई को कर पाए, जिससे आप बेहतर सीख पाए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या किए कि कुछ ऐसे बीमारी के नाम है, नेम ऑफ डिजीज, जो आगे हम क्वेश्चन दिखाए थे आपको, जस्ट नीचे का जो क्वेश्चन हम आपको जो क्रॉलिंग कर रहे थे, क्रॉलिंग करने के बाद जो नीचे आ रहा था, वो नीचे जो क्वेश्चन दिख रहा था आपको, वो क्वेश्चन था बेस्ड ऑन द डिजीज, नेम ऑफ बीमारी, आपका जो बीमारी का जो नाम होता डिजीज का उसके हिसाब से आया था। देखिए बात समझिए कि कुछ ऐसे बीमारी का नाम है इस दुनिया में, इस संसार में, जिसमें एस लगा रहता है, वो लगता है प्रतीत होता है पुलल की तरह, क्योंकि अभी आपको बताया ना कि एस लगा हुआ हम लोग बचपन से प्रतीत बनाने ये मान लिए हैं ऐसा कि वो पुलल होता है और बिना एस लगा हुआ सिंगुलर होता है। लेकिन कि कुछ ऐसे बीमारी का नाम है जो हमेशा देखने में लगेगा पुलल जैसा, लेकिन वाजी में बीमारी का नाम जो होता है ऑब्जेक्ट नाम होता है, भर सिंगुलर लेता है। तो कुछ ही ऐसा बीमारी का नाम है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर एक बीमारी का नाम ऐसा नहीं है। असाइनमेंट
कहां से मिलेगा? हाँ, असाइनमेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, ये देखिए असाइनमेंट आपको सामने यहां से मिलेगा, हम पिछला 3 बार दिखा चुके हैं, चौथा बार दिखा रहे हैं। ये रहा आपका असाइनमेंट का, ये फी की बात करेंगे, फी तो बहुत नॉमिनल रखा गया, और ये रहा असाइनमेंट की पूरी बातें कि यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप, यूनिक ज्ञान ऑफिशियल ऐप के लिए आपके लिए यूनिक काम कर रही है और उसके लिए आपका योगदान होना जरूरी है, तभी क्वालिफाई हो पाएंगे। और ये रहा आपके सामने हेल्पलाइन नंबर, एक्स्ट्रा कोई भी एक्स्ट्रा इंक्वायरी हो और विशेष पूछना हो, ठीक ना, तो उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर है इस पर कॉल करिए, मैं आपका कॉल का इंतजार करूंगा। देखिए आगे तो ये क्या है, आपका ये जितने भी साइट लिख रहे हैं, पहला वाला टर्म समझ में आ गया, ये टर्म क्या था, नेम ऑफ सब्जेक्ट, इसको अलग अलग करके लिख लीजिएगा, नोटबुक का पेन पहले बोल दिए स्टार्टिंग में। और सेकेंड वाला जो है, सीखने के पर्पज से आइएगा तो बहुत कुछ सिखा के ले जाएंगे, अगर आप आइएंगे वैसे सामान्य से घूमने के पर्पज से तो हम आपको बहुत घुमा देंगे। चलिए आगे, तो दूसरा क्या है, नेम ऑफ डिजीज, डायबिटीज, ऐसा बीमारी का नाम सुने ना, डायबिटीज मधुमेह, हाँ बहुत अच्छा जानते होंगे बीमारी का नाम है, डायबिटीज उसी को होता है जिसके जवानी में लड़खड़ाहट हो, इसकी जवानी में अखरपन हो, इसकी जवानी में कह सकते हैं कि ऐसा हो जिसे खड़ा ऐसा बोली हो। डायबिटीज किससे होता है, चीनी से होता है, हम लोग चीनी बहुत खाते हैं, अब जवान मीठा रखेंगे तो चीनी बाहर आ जाता है, जवान अगर रुखड़ा रखेंगे वो चीनी अंदर रह जाता है और डायबिटीज हो जाता है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हम मजाक कर रहे थे कि आप डायबिटीज एक अलग फंक्शन होता है, वो किसी डॉक्टर से मुलाकात करेंगे तो आपको बेहतर बता देंगे, हम टीचर क्या बताएं इसमें, हमें कि आपको हंसी मजाक कर रहे हैं कि डायबिटीज चीनी अंदर रह जाने से होता है, इसलिए जवान मीठा बोले, मन की आपा खोल और उनको शीतल करे और खुद ही शीतल हो। बहुत अच्छा, जवान हमेशा मीठा रखना चाहिए, किसी से बात करने के लिए नरमी रहना चाहिए। आगे, जवान को नरम रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जिंदगी का सबसे बड़ी मूल मंत्र होती है आंखों में हमेशा शर्म रखें। आगे रैकेट्स होता, रैकेट्स क्या होता है, बहुत बताते हैं कि जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, कुछ बच्चों में देखे होंगे आप तो मॉडर्न युग के हैं, कि पहले कुछ बच्चों में देखे थे कि उसके ये जो है ना चीक गाल, इसके दोनों पट्टी में एक पट्टी सटा रहता था, ऐसे में एक देखे उजला वाला ऐसे सटी पट्टी सटा रहता था यहाँ पर, उसको जो ना उसको गल सूखा या कुछ ऐसी बीमारी का हिंदी सेंस में नाम कहते हैं, उसको अंग्रेजी में होता है रैकेट्स, ये आपका एस लगा रहता है इस बीमारी में। रेबीज आप जानते होंगे, कुत्ता उत्ता काटने से बनता है, कुत्ता उत्ता जो पगला कुत्ता काट लेगा, ठीक है, आजकल कुत्ता कम काटता है इंसान ज्यादा काटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेबीज ये उसका तो मम्स होता है, मेजल्स होता है और सिंगल्स होता है, ये इतना बीमारी का नाम है, ठीक ना, इतना बीमारी का नाम है, इसको अलग साइड कर लीजिएगा, इस सब हमेशा दिखने में लगेगा पुलल भावलेगा सिंगल। डोमिनोज, बिलियार्ड्स, ड्राफ्ट्स, समन्स, ये सब खेल के नाम है और कुछ कोर्ट के द्वारा बुलाए गए पत्र के नाम है। हाँ गलशोध होता, हाँ गलशोध होता है, गलशोधा होता है, ये पता नहीं हिंदी बोलता उसको सर। अभी नगीता जी कह रहे हैं कि गलशोध होता है, बहुत अच्छा बाबू आप लोग बहुत जानकार है, इतना अच्छा जानकार हम लोग के बिहार में है, हमको ये पता नहीं था, अच्छा बात है, डॉक्टर ही करना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, बिलियार्ड इज एट, यहाँ पे कह रहा है कि प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये खेल का नाम है, अब बिलियार्ड में एस लगा रहता तब वो बिलियार्ड्स बनता है नाउन, यहाँ लिख दिया बिलियार्ड तो क्वेश्चन क्या हो गया इनकरेक्ट, अब लिख दिया बिलियार्ड्स इज, यही पर बच्चा धोखा खा जाता है क्या कि बिलियार्ड्स मैच लगा हुआ सर भर तो पुलल रहना चाहिए, नहीं 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 इतना नहीं है कि बिलियार्ड मैच लगना चाहिए तो भर पुलल रहना चाहिए, बिलियार्ड मैच लगा रहेगा फिर भी भर सिंगुलर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, बीमारी के नाम है, खेल के नाम है, कुछ गेम के नाम है, ठीक ना, ये सब ध्यान रखेंगे, कुछ विषय के नाम है, ये सारा चीज देख देख लीजिएगा, यही आपका कंप्लीट फॉर्मेट है, इतना ही आपका सेंस से क्वेश्चन आता है बहुत सारा एग्जाम में, और आप देखेंगे प्रीवियस का तो कई टॉपिक आता भी है, हम पहले ही बताया इतना डिटेल में आपका 100 मिलियन 1000 का रूल अभी बोले थे ना कुछ देर पहले, ये रहा सामने देख लीजिएगा 100 मिलियन 1000 लाख करोड़ ये सब वाला देख लीजिएगा, ये भी कुछ देर पहले आया था क्वेश्चन बोले भी थे, तो इतना डिटेल में आपको एक क्लास हम पूरा देते हैं एक टॉपिक के लिए, क्योंकि सस्ता रहोगे बार बार महंगा रहोगे, एक बार अगर हम अच्छा से मेहनत कर लेते तो हर एक एग्जाम में कोई भी डिपार्टमेंट बैठेंगे जहां अंग्रेजी आता हो बात हम उर्दू और संस्कृत की नहीं करेंगे, इंग्लिश से अगर क्वेश्चन हो तो किसी न किसी चैप्टर से होगा, किसी किसी चैप्टर से होगा तो किसी न किसी रूल से होगा, और किसी न किसी रूल से होगा तो मेरा वो रूल कैप्चर करना 100% अनिवार्य है, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट है, वो रूल हम कैप्चर करेंगे ही, कहां से देगा वो कहां से देगा, वो जहां जहां जाएगा मुझे ही पाएगा और कहां जाएगा वो, तो हर एक कंसेप्ट को आप देख लीजिए, ठीक ना, कई बच्चे का ये कहते भी है कि सर आप मेहनत करते हैं हमको और अच्छा लगता है कि मेहनत करने में, रात रात भर जैसे देख रहे हैं कि सकल पुष्पा की तरह बना के रखे हुए हैं, इसका मतलब ये ख्वाहिश नहीं कि पुष्पा बन जाए, लेकिन क्या है कि आप लोग को मेहनत करना है कि आपको पीछे करना, जिंदगी मिली है तो किसी काम आ जाए, जिंदगी मिला तो किसी के काम आ जाए, वरना नाम तो लोग बना ही लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस समय देख लीजिएगा पूरा कॉन्सेप्ट में, ये आपका कंप्लीट हो गया फॉर्मेट, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में, या नेक्स्ट क्लासेस जो है आप शायद ऑन एप्लीकेशन होगा, ऑन यूट्यूब हो या ना हो ये कन्फर्म हम नहीं बता सकते हैं। पत्ते पत्ते पर डाली डाली पर नजर डाली,
में हिमांशु कुमार क्या लिखे हैं, पत्ते पत्ते पर नज़र डाली, डाली डाली पर नज़र डाली, जब मिशन क्लास पर नज़र डाली तो एम कुमार सर ने किस्मत बदल डाली। बहुत अच्छा, थैंक यू बाबू, मस्ट वेलकम। देखिए आगे, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ, हाँ पुष्पा जी एक ख्वाहिश नहीं है, देख रहे हैं शकल कैसा लग रहा है इसको, चलिए शकल से नहीं होता, अकल से बात होता है। मैंने आकाश को भी धरती पर रेंगते हुए देखा, मैं आकाश नाम के लड़का को भी धरती पर रेंगते हुए देखा है, मैंने लक्ष्मी नाम की लड़की को भी पैसे मांगते देखा, मैंने बहादुर को भी डरते हुए देखा है। तो देखने से क्लियर हो जाता है कि नामों में कुछ नहीं रखा है, कर्म प्रधान होता, और जन्म से लेकर मरण के बीच में जो इंसान कार्य करता है वही कार्य कर्म है। तो कर्म महान होता है वही इंसान को जाना जाता है, वरना नाम में क्या रखा है, नाम आकाश है तो आकाश में आप नहीं उड़ेंगे, धरती पर रहेंगे, है ना। तो ऐसा होता है, देखिए इस सबको देख लीजिएगा पूरा एक बार, पूरा कंप्लीट चार्ट को। आशा करते हैं कि फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे और इस सबको पूरा डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा कोई डाउट हो तो आप एक्स्ट्रा पूछ लेंगे, और ये आपका सामने नंबर रहा, मोबाइल नंबर रहा, ये देख लीजिए बहुत अच्छा, ये आपके लिए बनाया ही गया है एप्लीकेशन, आपकी विकास ही सबसे बड़ा विकास होगा हम लोग का भी। और ये सामान्यतः फी है, ये देख लीजिएगा एक नॉमिनल फी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च बस ऊपर हो जाए, बस हो गया, कुछ नहीं चाहिए हम लोग से, आप लोग से। ये सब असाइनमेंट है, फीचर्स है, वीकली क्लास है, डाउट है, लाइव है, रिकॉर्डेड है, पीडीएफ है, और ये बैचेस स्टार्ट हुए हैं, उसका डेट है 8 दिसंबर, जिसका टाइमिंग है 12 to 1 PM। गुड बाय।